इस उपकरण का उपयोग जो है वो कारगिल के युद्ध में किया गया। देखिए यहाँ पे जो है वो मशीन का सामने से यहाँ पे इसे इस्तेमाल करके बतलाया जा रहा है लोगों को कि किस तरीके से जो है वो सेना के जवान इसका इस्तेमाल करते हैं जंग में। मैं एक फौजी परिवार से ही हूँ और मुझे गर्व फील हो रहा है कि सिविलियन भी इसे जान पा रहे हैं, लोग जान पा रहे हैं कि एक इंडियन आर्मी का जीवन कैसा होता है, किस कठिन परिस्थितियों में वो गुजरते हैं ना। और आज सिविलियन जब इसे देख रहे हैं तो मैं अपने आप में मुझे गर्व महसूस। मैक्सिमम रेंज है वो 30.9 किलोमीटर तक है, इसका वजन 12,000 किलोग्राम है। -3 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक जो है वो फायरिंग कर सकती है। साथ ही साथ इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि ये 3 राउंड जो है वो मात्र 14 सेकेंड, मतलब 14 सेकेंड में ये 3 राउंड कर सकती है। ये डेमो भी काफ़ी अच्छा था और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है और ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने से नज़दीक से देखने का मौका। और यह जो तोप है बोफर्स काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा हुआ है एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप और इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेना के एक्सपो एग्जीबिशन में जो उपकरण से राजधानी वासियों को यहाँ पे रूबरू करवाया जा रहा है उसमें ये जो है ये सबसे पुराना और सबसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपकरण है। इस उपकरण का उपयोग जो है वो कारगिल के युद्ध में किया गया था। यहाँ पे आप लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं कि इस मशीन को जो है वो इस्तेमाल करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जंग में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और राजधानी वासी काफ़ी उत्साहित होकर के जो है वो इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो है वो मशीन का सामने से यहाँ पे इसे इस्तेमाल करके बतलाया जा रहा है लोगों को कि किस तरीके से जो है वो सेना के जवान इसका इस्तेमाल करते हैं जंग में, और इसी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है वो जंग में दुश्मनों को हराते हैं। अगर हम इसके क्षमता की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 30.9 किलोमीटर तक है, इसका वजन 12,000 किलोग्राम है। इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो ये -3 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक जो है वो फायरिंग कर सकती है। साथ ही साथ इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि ये 3 राउंड जो है वो मात्र 14 सेकेंड, मतलब 14 सेकेंड में ये 3 राउंड कर सकता है। और अगर हमें अल्टरनेट तरीके से 20 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है तो वो 6 राउंड कर सकता है। इसमें कुल 8 जवान जो है वो बैठ सकते हैं। इंडिया में इसे अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि इसे जो कारगिल के जंग में जब इसका इस्तेमाल किया गया था तो उस वक्त इसे स्वीडन से ख़रीदा गया था। इसे मीडियम गन के तौर पे कहते हैं। यहाँ पे पूरे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो बॉर्डर पर भी इस गन का पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर एक बार कैमरे के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जमी हुई है, क्योंकि लोग जो है वो आज तक इन सभी चीज़ों को फिल्मों में देखते थे, वीडियो शूट्स में देखते थे, यूट्यूब में देखते थे, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे लोग सामने से देख रहे हैं। और ये रांची वासियों के लिए जो है वो काफ़ी एक अच्छा अनुभव होगा कि उन्हें भी सामने जानकारी मिल सकती है कि किस तरीके से जो है वो जवान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं कि इस तरीके से सामने से इसे देखने में उन्हें कैसा लग रहा है। ये पहली बार इस तरीके से सामने से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत रांची में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग को तो देख के बहुत एक्साइटेड थे आने के लिए। आज शायद लास्ट डे है और उम्मीद करेंगे कि एनुअली और लगता रहे कई बार। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने से नज़दीक से देखने का मौका। और यह जो तोप है बोफर्स काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा हुआ है एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये बताएगी ये चूँकि बहुत इसके नज़दीक से इसने देखा है। ये डेमो भी काफ़ी अच्छा था और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है और ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और दूसरे सब मैनुअल हैं, पर ये काफ़ी अच्छा लगा देखिए कि इतना आर्मी में भी इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है अभी टेक्नोलॉजी का। हाँ, मेरे रहते हुए ये फ़र्स्ट टाइम है और दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि हम यहाँ पे ये लाइव ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं और इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं एक फौजी परिवार से ही हूँ और मुझे गर्व फील हो रहा है कि सिविलियन भी इसे जान पा रहे हैं, लोग जान पा रहे हैं कि एक इंडियन आर्मी का जीवन कैसा होता है, किस कठिन परिस्थितियों में वो गुजरते हैं ना। और आज सिविलियन जब इसे देख रहे हैं तो मैं अपने आप में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद।
मैम इंडियन आर्मी का सबसे बहुत बढ़िया ये रहा, हम तो 57 बंगाल इंजीनियर ग्रुप फादर मेरे आर्मी से थे और हम लोग ये चीज़ को उत्तराखंड मतलब कैंप जो कमांड होता था वहाँ मिलता था, लेकिन फर्स्ट टाइम झारखंड का राजधानी रांची में मोराबादी मैदान में देखने को मिला और इस टाइप से बहुत बढ़िया मतलब नवयुवक को आगे बढ़ने के लिए मतलब बहुत बड़ा माइंड में एक सेटअप बना कि इंडियन आर्मी क्या है, किस टाइप से ये काम करता है, वो आदमी को पूरा क्लियर हो, बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कि यहाँ पे लोगों का जो है वो उत्साह भी काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि कारगिल में इस्तेमाल किए गए इस वेफर्स को लोगों ने डेमो यहाँ पे सामने से देखा और उसके बाद उनका कहना है कि सिविलियंस जो फौजी परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि जो सिविलियंस इसे नज़दीक से देख पा रहे हैं तो वे लोग भी काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके परिवार वाले या फिर बाकी जितने भी फौजी होते हैं, जितने भी जवान होते हैं, वो किस परिस्थिति में रहते हैं, किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी यहाँ पर जानकारी ले पा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। नमस्कार। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in